पिंपरी चिंचवड शहरात राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या दोन गटांमध्ये तुडुंब हाणामारी झाली आहे. यामध्ये राष्ट्रवादीचे नगरसेवक डब्बू आसमान यांना मारहाण झाली आहे, तर त्यांनी शिवसेना आमदारांवर मारहाणीचा आरोप केला आहे. पिंपरी विधानसभा मतदारसंघात आज सकाळपासून मतदानाला सुरुवात झाली आहे. मात्र सकाळी 9 ते 10 दरम्यान राष्ट्रवादीचे नगरसेवक डब्बू आसमानी यांना मारण्यासाठी काही कार्यकर्ते आले होते. डब्बू आसमानी आणि कार्यकर्त्यांच्यात हाणामारी झाली. यामध्ये डब्बू आसमानी आणि इतर 2 ते 3 कार्यकर्ते जखमी झालेत. डब्बू आसमानी यांनी मारहाण करणारे कार्यकर्ते शिवसेने असल्याची टीका केली आहे. 7 बजे से वातावरण खराब करने का उनका विचार था. 8:30 बजे 8:30 लोगों को हमको फोन आया कि वातावरण खराब करेंगे. मैं पी आई साहब से बात किया, रात को भी मेरे ऑफिस में घुसे थे. लेकिन मैं पी आई को रात को ही फ़ोन किया, आप इनको देखो. सुबह ये चौक पे मेरे 9:15 बजे 8-10 लोग ने 2-3 बच्चों को बहुत मारा. उसके बाद में 3-4 बार यहाँ से गए, मैं 4 बार पुलिस को फ़ोन किया है, पी आई साहब को फ़ोन किया, साहब दहशत कर रहे. उसके बाद में अभी 4 गाड़ी आई, उन्होंने समझा भाई मेरे ये लोग वोटर्स है, डायरेक्ट आए अटक किया. ये तो मेरा नसीब अच्छा था कि मेरे साथ 4-5 दोस्त और 4-5 कार्यकर्ता खड़े थे. उन्होंने बोला कौन है मारो, तो हाथापाई हुआ और भाग गए. मेरा चेनमैन गया, चिमिया था, सुरेश निकांत जी, बबलू सोनकर, अरुण टाक और दीपक टाक, अनिल पारचा, जीतू मंगतानी, लच्छू बुलानी, मोहित बुलानी, ये सब लोग और कम से कम बाकी उसके 4 बॉडीगार्ड गन के साथ ओपन गन बॉडीगार्ड ने उसको फिर एक दो फटका लगा तो भाग गए. लेकिन एक बात है, मेरा नसीब आज अच्छा है कि मेरे साथ कार्यकर्ता दोस्त है, नहीं तो मेरा आज क्या वजह होगी. वजह उनका एक ही था कि दहशत करेंगे तो पिंपरी में वोटिंग कम होगा. पूरा पिंपरी में जो भी समाज है सब मेरे साथ था. कौन से पॉलिटिशियन थे वो, कौन से पक्ष के थे? शिवसेना का पक्ष था. पुलिस ठीक है, मेरा तो इतना ही कहना था, आप अपना कैनवसिंग करो, हम अपना कैनवसिंग करेंगे, जो जीता उसका नसीब. दहशत करने से क्या फायदा, जो पब्लिक वोट करेंगे अपना नेता उनको हक है चुनने का. दहशत करके तुम अपनी दादागिरी करके पिंपरी को बिहार मत बनाओ, यूपी मत बनाओ.